तो गाइस आज हमें प्रिया वेज रेस्टोरेंट में जो कि है वसई में, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑर्डर करा है मसाला पापड़। यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो अपने शाडो और मेन कोर्स से पहले सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ यहाँ का मसाला पापड़, क्योंकि यहाँ का मसाला पापड़ मुझे सभी जगहों से बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और यमी लगता है। आइए ट्राई करते हैं मसाला पापड़। बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है, और इसके ऊपर ये जो टोमेटो अनियन और सेब डालते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हमने ऑर्डर करा था अपना दूसरा आइटम जो कि है पनीर पकौड़ा। मैं दिखाता हूँ यहाँ का पनीर पकौड़ा कैसा। वैसे यहाँ के पकौड़े मैंने ट्राई नहीं करे, लेकिन सुना है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आइए दिखाते हैं पनीर पकौड़ा। तो सबसे पहले इसकी लेयरिंग देखते हैं, बहुत ही अच्छी लेयरिंग करी गई है इसके ऊपर बेसन की, और आपको दिखाते हैं इसको ब्रेक करके। देखिए पनीर की लेयरिंग बहुत अच्छी तरीके से की करी है, मतलब तो पनीर अच्छे से भर के दिया गया है इसके साथ में। आइए इसको टेस्ट करते हैं हरी चटनी के साथ में, क्योंकि इसके साथ हरी चटनी मिलती है। तो लेते हैं इसकी हरी वाली। जो लेयरिंग है इसकी एकदम क्रिस्पी है, पनीर और फ्रेश फील हो रहा है मुझे खा के। मैं इंजॉय करता हूँ अपने पनीर पकौड़े को, उसके बाद दिखाता हूँ आपको अपना दूसरा आइटम। पनीर पकौड़े के बाद अब आ रही है वेज सीख कबाब की। तो इसको देखो सर्व कितने अच्छे तरीके से करा गया है। ये है आपके वेज सीख कबाब, इसके साथ में ये कैबेज की सैलेड है, इसके साथ ग्रीन चटनी है, और अनियन और बीट रूट को बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया गया है। तो ट्राई करते हैं इसको। पहले मैं दिखाऊँगा आपको इसको ब्रेक करके, ये कैसे इसको फीलिंग क्या है क्या है। इसमें जिस भी आइटम का इस्तेमाल करा गया है बहुत अच्छे तरह से उसको ग्राइंड किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से पकाया गया है जैसा लग रहा है। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं ग्रीन चटनी के साथ में। अगेन ग्रीन चटनी ना यहाँ पे बहुत भर भर की मिलती है। मुँह के अंदर जाकर ना एकदम मेल्ट हो रहा है। एक बार और लेता हूँ मैं थोड़ी सी सैलेड, थोड़ा सा बीटरूट,